तुम्हारे पीछे आप देख रहे होंगे उस दुकान पे भीड़ कितनी लगी हुई है। यहाँ पे बिकता है बिहार का सबसे फेमस फूड, जिसे आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, जिसका के नाम है सत्तू। और वहाँ पे सत्तू बना के दिया जा रहा है, लोग उसे पी रहे हैं। और हम लोग अभी हैं पटना में, पटना का बिस्कोमान भवन, और उसी के नीचे बहुत ही फेमस, करीब 25 साल पुरानी ये दुकान है सत्तू की। तो आइए यहाँ का टेस्ट कैसा है जानते हैं। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। चलिए आज आपको पटना में एक ज़बरदस्त सी ठंडा करने वाली चीज़ दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये आप देख रहे हो, पानी ले लिया गया है बर्तन में, और तसला बोलते हैं इसको बिहार में। अब इसके अंदर डाला जाएगा, ये हो गया नमक। नमक है ना भैया? जी, नमक गया इसके अंदर। नमक के बाद ये यहाँ पे देखो, ये सत्तू है, ये चने से बनाया जाता है, चने को रोस्ट करके बनाया जाता है। और ये सत्तू गया पानी के अंदर। और यहाँ पे देखो आप कितने बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं, जिसमें कि पानी है, और इसी से सत्तू ठंडा रहता है। अब इसे अच्छी तरह से अब मिलाया जाएगा, देखिए सत्तू को, और एक गाढ़ा सा मिश्रण बनाया जाएगा, गाढ़ा मिश्रण, और फिर इसे ग्लासेस में भरा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे सत्तू को मिलाया जा रहा है, और सत्तू को मिलाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर गुलटियाँ पड़ जाएंगी। तो उसे बहुत अच्छी तरह से मिलाया जाता है। आप गाइस देख सकते हो कंसिस्टेंसी सत्तू की, बहुत ही गाढ़ा सत्तू है, ऐसा नहीं कि आपको हल्का सत्तू बना के दे रहा है, बहुत ही गाढ़ा है। तो गाइस सबसे पहले ग्लासेस में आप देखो नींबू डाला जाएगा, उसके बाद गया प्याज। भैया इसका फ़ायदा बताइए कुछ, सत्तू का क्या क्या फ़ायदा है? सर तरी पेट के लिए, धूप के लिए बहुत फायदा है, ठंडा होता है। हाँ ठंडा होता है सत्तू। ये क्या मसाला डाल रहे हैं? हाँ जीरा है, नमक। और यहाँ आप देख सकते हो गाइस कितनी ह्यूज क्वांटिटी में ये सत्तू बनाया जा रहा है। तो पहले ग्लासेस को आधा फिल कर लिया जाता है, इस तरह से आधा फिल कर लिया जाएगा सारे मसालों के साथ, और फिर एक नया बैच बनाया जाएगा सत्तू का, और फिर बाकी ग्लासेस को भरा जाएगा। अब देखिए ग्लास को फुल किया जा रहा है, पहले से जो ग्लास में चीज़ें डाली गई थी, हाफ ग्लास था सत्तू, फिर उसके ऊपर से कुछ मसाले गए, पुदीना का रस गया, नींबू गई, और अब उसके ऊपर जो हाफ ग्लास था उसे अब फिल कर दिया जा रहा है। और देखिए एक ग्लास लगे हुए हैं, और पीछे भीड़ देखिए, ये लोग इंतज़ार में हैं। तो गाइस गर्मी का कूलर हमारे सत्तू बनके तैयार है, आइए ज़रा इसको टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा ये। बहुत ही गाढ़ा, मतलब आप जब पी रहे हैं तो थोड़ा सा खा भी लेंगे, अंदर से प्याज है, मिर्ची है, पुदीने का जो सिरप डाला गया था उससे एक बहुत ही अच्छी ठंडापन आएगी, मिर्ची भी है और मसाले भी थोड़े से पड़े हुए हैं। तो अगर आप बिहार आते हैं पटना में, आपको ये कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा सत्तू, इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिहार का बहुत ही फेवरेट एक तरह का खाना है, इसे अलग अलग फॉर्म में खाया जाता है। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसी चीज़ें खाते पीते रहिएगा सत्तू।